नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनकेसी न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69 जाक्षा भर्ती को लेकर। तो दोस्तों इससे यह देख पा रहे हैं कि कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर तो है अपलोड हो गया है, और दोस्तों यहां से देख रहे हैं कि 69 जाक्षा भर्ती मामले में जो अब है 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जानते हैं कि 14-15 दिन छुट्टी में ही रहेगा, अवकाश हो गया है। तो दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं और क्या क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं। 69 जाक्षा भर्ती की जो है परीक्षा कहा जा रहा है रद्द भी हो सकता है कि कट ऑफ 40-45 या 60-65 पर फाइनल होगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि 60-65 भी निश्चित किया जा रहा है। तो क्या सुनिश्चित किया जा रहा है पूरी अपडेट अभी देखते हैं, क्योंकि जानते हैं जो भी अपडेट निकल कर आते हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, पूरी अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से देख पा रहे हैं कि 69 जाक्षा भर्ती मामले में अब जो है 16 अक्टूबर को सुनवाई प्रदेश के देख रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर फाइनल सुनवाई मंगलवार को भी हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जारी रही, और इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बीते मंगलवार को दलीलें दी थी। अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी रही और कोर्ट ने अगली सुनवाई देख रहे हैं दशहरा अवकाश के बाद देख रहे 16 अक्टूबर को नियत की है, और साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% अर्हता अंक तय किए थे, और इसके खिलाफ एकल पीठ में देख रहे हैं कई याचिकाएं दायर हुई थी, और इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, आप सभी को पता है, जिस कारण जो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं मिला है। तो यहाँ देख रहे अब जो है आपकी सुनवाई अगली जो होने वाली है 16 अक्टूबर को होने वाली है इस अवकाश के कारण, दुर्गा पूजा के कारण। और अपडेट देख लेते हैं, और दोस्तों कुछ अपडेट यहाँ भी देख सकते हैं कि शिक्षकों की पहली नियुक्ति तिथि से होगा, और देख रहे हैं वरिष्ठता का निर्धारण। तो यहाँ भी देख सकते हैं कुछ कुछ अपडेट निकल कर आ रही है शिक्षक भर्ती को लेकर। चलिए और देख लेते हैं अपडेट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 भर्ती को लेकर। तो देख रहे हैं कि कट ऑफ मुद्दे का जो है ऑर्डर जो है वो पब्लिश हो गया है दोस्तों। तो ऑर्डर में वो भी वही चीज़ लिखा गया है जो आपका सुनवाई है 16 अक्टूबर को होगा, उसमें टाइम टेबल नहीं दिया गया है जो जिस दिन सुनवाई होगी। अन्य समय दिया जाता था 1 बजे, 12 बजे, 12:15 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, लेकिन इस समय जो है इसमें कट ऑफ में जो निकला है ऑर्डर अपलोड हुआ है उसमें दोस्तों दिया नहीं है, वो डायरेक्ट कर दिया है कि 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, और बहुत सारे ऐसे अपडेट निकल कर आ रहे हैं कह रहे हैं कि 60-65 के पक्ष है मजबूत है और जो है जीत इसी की सुनिश्चित होगी, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं तो कह रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए पहले कहना मुश्किल है कि 60-65 ही जीत है, क्योंकि देखिए जो पहले 29 तारीख की जब सुनवाई हुई थी उस समय 40-45 की हाई कोर्ट खुद गए थे इस पर ही भर्ती लेने के लिए। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि 60-65 ही जीत है और 40-45 भी सुनिश्चित हो गया है वो फाइनल किया है। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 40-45 भी जीत है, 40-45 जब तक 60-65 क्लियर नहीं होता है तब तक 60-65 ना हार है ना जीत है, और देखिए हो सकता है जीत भी हो सकती है, यदि ठोस सबूत रहा तो जीत भी हो सकती है। तो कहा जा रहा है सबूत ठोस है 60-65 के लिए, ऐसा होता है तो जीत भी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से कहना भी मुश्किल है कि अभी जीत इसकी हो गई है। तो जीत होगी तो 40-45 पर जो है कैंसिल किया जाएगा, 60-65 पर ही भर्ती लिया जाएगा, यदि 60-65 की जीत नहीं होती है तो 40-45 पर ही भर्ती लिया जाएगा। तो जो भी अपडेट निकल कर आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। और देखिए जो रद्द होने की बात चल रही है दोस्तों, तो रद्द अभी ये हो नहीं सकता है क्योंकि भर्ती भी वहाँ स्टूडेंट की कमी है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट कर रहे हैं ये भर्ती को रद्द करके ही दूसरा से फिर से भर्ती ले ले। तो देखिए रद्द होने की चांस बहुत कम है, और जो भी अपडेट आएगा आगे के अपडेट मैं अपडेट यहाँ करते रहूँगा और कर दूँगा। तो आगे के अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ सभी जगह शेयर भी कर दें। नए अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।